यहाँ पे आने के बाद बहुत बड़ा एक पंगा हो गया। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिहार हिल्स। आज है सेकेंड डे और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी, करीबन 5 बजे के आसपास, क्योंकि कल ये जो होटल है इसके ओनर से हम लोगों ने पूछा था कि यहाँ पे क्या क्या प्लेस है, अच्छा अच्छा प्लेस जो हम लोग विज़िट कर सकते हैं। तो बोले, वो एक दो प्लेस बोले जो हम लोग विज़िट कर सकते हैं। और सफारी का हम लोगों ने टाइम पूछा तो वो बोले एक तो बहुत जल्दी आ जाता है सुबह करीबन 6 बजे के आसपास, और एक है 4 बजे, शाम के 4 बजे। तो मैं सुबह वाला जो है वो हम लोग एक्चुअली विज़िट करने वाले, मतलब उस टाइम में हम लोग जाने वाले थे, तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी करीबन 5 बजे के आसपास। लेकिन मेरे पतिदेव जो है ना, वो घर पे जैसे सोता है वैसे ही, मतलब एकदम आराम से खर्राटे मार मार के सो रहा था। तो उसको मैंने पूछा तो बोले, अरे सो जाओ आराम से, बाद में जाएंगे शाम के 4 बजे। तो मेरा भी मन चला गया, मैं भी वैसे ही, मतलब एक बार उठी तो नींद तो नहीं आया, बस ऐसे ही लेटी रही। तो अभी वो गया फ्रेश होने, बाबा ही तो आराम से सो रहा है, तो चलो जल्दी से मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। फ्रेश हो के देखते हैं कहाँ पे जाते हैं, आज का क्या क्या प्लानिंग होता है देखते हैं। ये देखिए गाइस, किस तरह से फॉग हो रखा है यहाँ पे। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त फॉग हो रखा हुआ है यहाँ से, एकदम मस्त खेल रहा है सुबह सुबह। हम मंदिर जाने का सोच रहे थे इसलिए तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, गीत भी सारी पहन रही है। अभी हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और मंदिर जाएंगे। कियांश चलो। यस, लेट्स गो। और अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। आज ब्रेकफास्ट पे मंगवाया है हम लोगों ने इडली वड़ा सांभर। तो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करने वाले हैं आज, बहुत ही मजा आने वाला है। तो वहाँ से हम लोग खा पी के अभी जा रहे हैं हम लोग सीधा मंदिर की ओर। बियर हिल्स में आके अगर ये मंदिर का दर्शन नहीं किया तो आने का मतलब ही नहीं है, बहुत ही फेमस टेम्पल है। देखो पूजा का सामान ले रही हो। ये कितना बोला? अभी सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं जा रही हूँ सीधा मंदिर की ओर। भगवान के पूजा के लिए मैंने तुलसी पत्र और फूल भी ले लिया है। ये जो टेम्पल है ये बिलिगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार है। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है यहाँ के। कहा गया है कि ये बहुत पुराना टेम्पल है और ये यहाँ के सबसे हाईएस्ट पिक में है। और ये रहा मंदिर का बैक साइड, जो मेन टेम्पल है उसका बैक साइड है। हम लोग एक्चुअली गलत दरवाजा से एंट्री किए थे तो एक पंडित जी आके बोले कि आप लोग दूसरे साइड से घूम के आओ बोल के, तो हम लोग बैक साइड से होके अभी सामने की ओर जाएंगे। और यहाँ पे बाबाई को देखो, वो अपने धुन में पूरा व्यस्त है। और यहाँ पे हम लोग को एक अंकल जी मिले जहाँ से मैंने फूल तुलसी पत्र वगैरह लिया था। ये अंकल जी हम लोग को गाइड कर रहा है कि
यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो वो बोले कि पहले आप भगवान का दर्शन कर लीजिए, बाद में यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है वो सब भी आप लोग देख सकते हो, और एक पार्क भी है बोले तो वो भी देख सकते हो बोले। हम लोगों ने उनको बुलाया भी नहीं, वो खुद ही हम लोग के साथ आए। वो देखते ही समझ गए कि हम लोग यहाँ पे नए हैं, तो वो खुद ही आके हम लोगों को गाइड कर रहा है। और ये रहा मंदिर का अंदर का व्यू, मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना किया है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है बोल के। यहाँ पे मैं भगवान जी को प्रणाम कर रही हूँ। और यहाँ पे उन लोगों ने एक पार्क जैसा ही बनाया है जो मंदिर के साइड में है, तो वो अंकल जी बोले थे कि आप लोग भगवान का दर्शन करने के बाद सीधा यहाँ पे आना, तो सुबह का जो नज़ारा होता है वादियों का वो आप लोग एंजॉय कर पाओगे। तो हम लोग सीधा मंदिर होके भगवान का दर्शन करके हम लोग सीधा यहाँ पे आए, और कह रहा था कि बहुत सारे दर्शनार्थी दूर दूर से आते भगवान का दर्शन करने, तो पूजा करने के बाद सीधा यहाँ पे आके कुछ देर बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे मेरे को देखो चल ही नहीं पा रही हूँ, मंदिर आएंगे तो शूज़ वगैरह सब नीचे गाड़ी में रखे, और यहाँ पे मिट्टी तो है ही, मिट्टी मतलब वो जो लाल मिट्टी होता है ना वही है, और साथ में ऊपर पत्थर है, तो मतलब चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैं कैमरे को पकड़ के बस धीरे 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 चल रही थी, और चारों तरफ मतलब चारों तरफ को मैं कैप्चर कर रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। उस साइड में थोड़ा बहुत दिख रहा है, उधर कम कहाँ दिख रहा है, मतलब नेकेड आई से दिख रहा है, कैमरा में नहीं दिख रहा होगा। अरे गिर जाएगा तुम्हारा गाड़ी उधर। ये मंदिर के पीछे ही है ये पार्क, यहाँ पे लोग रिलैक्स करने आते हैं, और सुना है कि यहीं पे भी 12 बजे भोजन वगैरह होता है, तो जगह अच्छा है। ये कितना साल पुराना है टेंपल? टेंपल कब कब बनाया ये टेंपल? ये हाँ 200 ईयर्स ओल्ड, ना 300 ईयर्स, 200 कब बनाया ये टेंपल? ये हमारा बाबा 4-5 साल हो गया, मतलब 4 जनरेशन पुराना। हमारा पिताजी, उसका पिताजी वही है, चार की चार वो का मामे छोटे बच्चे बता थे हमें। फोर जनरेशन बनाया गया था तब, ये अंकल लोग पकड़ लो 200 साल ये पकड़ लो, ये सब भी नहीं अब बनाए, सब गवर्नमेंट बनाया सब। ओके लकीली इस अंकल को थोड़ा बहुत हिंदी समझ में आता है, तो हम लोग इसे ही ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, बाकी सब लोग तो कनाडा में बात करें हमारे सिर के ऊपर से जा रहे हैं। नहीं मुझे समझ में आता है, मेरे को समझ में आता है, इनको थोड़ा बहुत समझ में आता है मेरे को तो। और यहाँ पे आप लोग सामने देख ही सकते हो इंस्टेंट फोटो जो खिंचवाया जाता है उसी का एक सेंटर भी रखे है यहाँ पे। तो उस बंदे ने आके बोला कि सर चलो आप लोगों का भी मैं लेता हूँ बोल के, वो खुद ही आके हम लोगों को अभी यहाँ पे लेके आया है। तो यहाँ पे इसलिए लेके आया है क्योंकि बैक साइड पे आप लोग देख ही सकते हो मंदिर का जो बाहर का दृश्य है वो बहुत अच्छे से आ रहा था कैमरे में, तो इस साइड पे आके वो अभी ले रहा है हम लोगों का। और यहाँ पे अंकल जी को देखो जो हम लोगों को गाइड कर रहा था इतने टाइम से, वो बोले कि अभी मेरा भी फोटो लो, मैं अभी लेता हूँ बोल के वो उसका फोटो हम लोग कभी ले रहे। चलते हैं अंकल। अभी हम लोग नीचे आ गए जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क किए थे, यहाँ से मैं आप लोगों को एक बार व्यू दिखा देती हूँ। अभी भी क्लियरली दिखाई नहीं देगा, बहुत आप लोग देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा कोहरा है अभी भी, और बहुत सारे दर्शनार्थी अभी भी आ रहे हैं, देखो दूर दूर से पूरा ग्रुप होके आ रहे हैं। ये कल इवनिंग को जो हम लोग आए थे वही वाला व्यू पॉइंट है, अभी सुबह सुबह और भी सुंदर लग रहा है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे सनसेट देखने के लिए लोग आते हैं, सनसेट के यहाँ पे जब भी वो समुद्र के नीचे जाते हैं वो दिखता है पूरा। तो हमारा होटल का जो बंदा था वो यही बोल रहा था कि आजकल कोहरा हो रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन सनसेट एक बार ट्राई करना देखने के लिए। और कल का सनसेट हम लोग शाम को ही आए थे तो सनसेट का चांस था, लेकिन बारिश होने लगा तो उस टाइम में भी हम लोग ने सनसेट अच्छे से देखा नहीं, होपफुली आज दिख जाए। कितना प्यारा जगह है यार, वो देखो बहुत ही सुंदर जगह है, इसको देखो अंदर अंदर रखे हम लोग, मैं गाड़ी यहीं पे पार्क कर दिया हूँ ताकि बाहर ना निकले वो। वाह बेटा हाथ गंदा कर दिया ना। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधा रूम, क्योंकि बैक टू बैक अगर चलते रहे ना तो हमारे साथ बच्चा भी थक जाएगा,
तो इसलिए यहाँ से जाने के बाद लंच करने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, देखते हैं फिर शाम को कहाँ जाते हैं। तो अभी हम लोग आने के बाद फ्रेश होकर सीधा रेस्टोरेंट पे आ गए और आज हम लोगों ने लंच पे मंगवाया है थाली, क्योंकि वेज है तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, थाली ही बेस्ट है, तो थाली मंगवाया है। और बाबा को देखो कैसे सो रहा है बेचारा, पूरा टायर्ड हो गया है। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट किया और अभी हम लोग जा रहे हैं सफारी की। और कहा गया है कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रखे गए हैं और एक टाइगर रिजर्व भी है, देखते हैं आज कितना तक एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्योंकि आज ही लास्ट डे है हम लोगों का यहाँ पे बियर हिल्स में, क्योंकि कल सुबह हमारा चेकआउट होने वाला है और यहाँ से हम लोग सीधा घर जाएंगे। मैंने आज तक बहुत ट्रैवल किया अपने हस्बैंड के साथ, आप लोग देखते रहते हो मेरे ब्लॉग्स में, बट ये जो ट्रिप है ना, दिस इज़ रियली अमेजिंग। मेरे को यहाँ पे आने के बाद वो जो शांतिपूर्ण बोलते हैं ना, वो जो सुकून, वो मेरे को यहाँ पे आने के बाद महसूस हुआ। यहाँ पे आने के बाद बहुत बड़ा एक पंगा हो गया, नेटवर्क ही नहीं आता है यहाँ पे, कैश के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो लोग 1000 रुपीज़ मतलब पर हेड वो लोग 500 करके रखे हैं शायद। तो वो टिकट काउंटर पे गए थे टिकट करने के लिए और हमारे पास कैश ही नहीं है, कैश है लेकिन उससे नहीं होगा, मतलब 1000 रुपीज़ नहीं है। तो आजकल कहाँ इतना कैश रखते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बहुत ऐप में है तो यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता है। तो वही अभी मुश्किल हो गया, अंदर तो अभी नहीं जा पाएंगे हम लोग। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स लोग भी आए हैं आज यहाँ पे देखने के लिए, विजिट करने के लिए, तो आप लोग देख ही सकते हो सामने लेके, सामने फ़ोटो वगैरह वो लोग ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, वैसे भी हम लोग अंदर तो नहीं जा पाएंगे, तो टिकट वगैरह तो हमारा नहीं हुआ है, तो ज़्यादा लेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं। अभी हम लोग जाएंगे सीधा रूम की ओर, क्योंकि ज़्यादा लेट होने से, अंधेरा होने से जंगल जो है वो क्रॉस करने में मेरे को स्पेशली बहुत डर लग रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला क्यों बेकार में टाइम लेट करना, चलते हैं चलो रूम की ओर। तो चलो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत जल्द और एक इंटरेस्टिंग वाला वीडियो लेके आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।